أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب العود والكوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والعصب الأطهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي الأبتحي البتي الطهامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سيما بقية الله العظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن مجيد في یہ آية كريمة کہ جسے آیہ تطہیر کہا جاتا ہے
ये वो आयत है क़ुरान मजीद की कि कोई मुहिब अहले बैत, कोई आशिक अहले बैत और कोई भी अहले बैत से अकीदत रखने वाला ऐसा नहीं होगा कि जो इस आयत से वाकिफियत न रखता हो और उसे यह ना मालूम हो कि ये आयत, इस आयत का शान नुज़ूल क्या है, यह आयत किसकी शान में नाजिल हुई और ये आयत किसका कौन सा कसीदा पढ़ रही है। ये वो आयत है कि जो अहले बैत की तहारत, अहले बैत की इस्मत और अहले बैत के मासूम होने की गवाह है। और इस आयत का कमाल ये है कि क़ुरान की 114 सूरतें और उनमें 6000 से ज़्यादा आयतें, ये बात मैं अक्सर कहा करता हूँ इस आयत के ज़ैल में कि जब भी मैं इस आयत को अपना उनवान कलाम बनाता हूँ कि क़ुरान की तमाम आयत और तमाम सूरतें एक तरफ और आयत तथीर अहले बैत के हक़ में एक तरफ है और ख़ुसूसन अहले बैत के चाहने वाले, कि ये वो आयत है कि जिसके ऊपर अहले बैत के तमाम फ़ज़ाइलो कमालात और तमाम फजीलतें और तमाम कमालात और तमाम खसूसियात, उन तमाम की बुनियाद का नाम है आयत तथीर, क्योंकि ये आयत वो है कि जो अहले बैत की इस्मत की गवाही दे रही है और इस्मत वो सिफत है और वो कमाल है और वो फजीलत है कि जिसके ऊपर हर फजीलत हर कमाल मुनहसर है। अगर इस्मत साबित कर दी जाए, अगर अहले बैत की तहारत साबित कर दी जाए और अहले बैत को मासूम कबूल कर लिया जाए तो इधर अहले बैत को मासूम और अहले बैत की इस्मत की गवाही दी गई, उसे कबूल कर लिया गया, उस पर ईमान ले आए, फौरन ही अहले बैत के हर कमाल को खुद ब खुद कबूल करना लाजिम हो जाता है। अगर मासूम कबूल कर लिया तो लाजिम है कि अहले बैत को आलिम कबूल किया जाए, अगर मासूम कबूल कर लिया गया तो लाजिम है कि अहले बैत को शुजा कबूल किया जाए, अगर अहले बैत को मासूम कबूल कर लिया गया तो अहले बैत के अंदर हर कमाल और हर फजीलत का कबूल करना इंसान के लिए लाजिम हो जाता है। क्यों? इसलिए कि अगर इस आयत का तर्जमा देखा जाए और इस आयत के मफहूम को समझने की कोशिश की जाए तो अजीब उनवान है। खुदा वंदे आलम खुद जिम्मेदारी ले रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा ये है, अल्लाह का इरादा ये है। देखिए, हमारा इरादा और है और अल्लाह का इरादा और है। हमारे और अल्लाह के इरादे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम इरादा जब किसी चीज़ का करते हैं तो मुमकिन है कि वो इरादा कि जिस चीज़ का किया गया है कि हो सकता है कि वो पाए तकमील तक वो इरादा पहुँचे, और ये भी मुमकिन है कि वो इरादा इंसान का पाए तकमील तक ना पहुँच पाए। एक इंसान अपनी ज़िंदगी को उठा करके देख डाले, शऊर की मंजिलों में कदम रखने से ले करके ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अगर इंसान अपनी ज़िंदगी का तज़िया करे तो इंसान की पूरी ज़िंदगी इरादों से भरी हुई है। हर दो कदम के ऊपर, हर दो लम्हे के बाद, चंद सांसों के बाद अल्लाह इंसान एक इरादा करता है। कोई ना कोई इरादा इंसान का रहता है, अगले मिनट का इरादा, अगले घंटे का इरादा, अगले दिन का इरादा, अगले महीने का इरादा, अगले साल का इरादा, दो चार साल पाँच साल के बाद का इरादा, और पूरी ज़िंदगी इरादों के दरमियान में, यानी ये वो इरादों का किला है कि जिसके दरमियान इंसान ज़िंदगी बसर कर रहा है। लेकिन एक इंसान के जो ज़िंदगी के आखिरी मंजिलों में कदम रख चुका है, अगर उससे सवाल किया जाए कि आपने इतने इरादे किए, इनमें से कितने इरादे थे कि जो पाए तकमील तक पहुँचे, तो यकीन जानिए कि ये इरादों की किताब को अगर वो उठा के देखेगा तो ये एक पूरा दायरतुल मारिफ इंसान के लिए और एक इंसाइक्लोपीडिया इंसान के लिए इरादों का तैयार हो चुका होगा कि मैंने ये भी इरादा किया था, ये भी इरादा किया था, ये भी इरादा किया था, ये भी इरादा किया था। लेकिन इन तमाम इरादों में सिर्फ चंद इरादे हो ऐसे होंगे कि जो पाए तकमील तक पहुँचे होंगे, चंद इरादे ऐसे होंगे कि जिनको इंसान ने कम्प्लीट किया होगा,
हालांकि इरादे बहुत किए। तो आप सवाल कीजिए कि भाई आपने इतने इरादे किए थे सारी ज़िंदगी में, आपने हर लम्हा एक इरादा किया, और इस लफ्ज़ इरादा से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि ये जो लफ्ज़ इरादा है इसके अलग अलग मफहूम है और अलग अलग नाम है। इसी इरादे को तमन्ना भी कहा जाता है, इसी इरादे को ख्वाहिश भी कहा जाता है, इसी इरादे को आरजू भी कहा जाता है। और आप देख लीजिए कि कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके यहाँ तमन्नाएँ ना पाई जाएं, कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके यहाँ आरजुएँ ना हों, कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा कि जिसके यहाँ ख्वाहिशात ना हों, कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन क्या उससे सवाल कीजिए कि आपने जितनी आरजू की है क्या वो सारी आरजू आपकी पूरी हो गई, आपने जितनी तमन्ना की है क्या वो सारी तमन्नाएं आपकी मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई, आपने उन तमन्नाओं को हासिल कर लिया, आपने जितनी ख्वाहिशात की हैं क्या वो सारी ख्वाहिशात की तकमील हो गई। हर इंसान जवाब देगा नहीं, ऐसा नहीं है, तमन्ना थी, आरजू थी, ख्वाहिश थी, इरादा था, लेकिन वो इरादा पाया तकमील तक हमारा ना पहुंच सका। तो आखिर सवाल ये है कि क्यों नहीं पहुंच सका। अल्लाह ने आपको मुख्तार बनाया है, आपको साहिब अकल बनाया है, आपको शऊर अता किया है, आपको जिस्म जिस्से का मालिक करार दिया है, आपके पास हाथ, आपको अल्लाह ने हाथ पाँव दिए हैं, सब कुछ दिया है आपके पास, सबको दिए, सब कुछ दिया अल्लाह ने आपको। तो फिर ये आपका इरादा, ये आपकी ख्वाहिश, ये आपकी तमन्नाएँ, ये आपकी आरजुएँ क्यों नहीं पूरी हो सकें। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वो वजह क्या है कि हम वो इंसान हैं कि जो आज के बारे में जानते हैं कल के बारे में नहीं जानते। आज क्या हो रहा है उसके बारे में हमें खबर है, लेकिन कल क्या होने वाला है उसके बारे में हम नहीं जानते। और न जानते हुए हम कल की प्लानिंग कर लेते हैं, हमें नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, कि हमने इरादा कर लिया। मिसाल के तौर पे मैंने इरादा कर लिया कि कल वहां जाऊंगा, फलां साहब से मुलाकात करने के लिए जाऊंगा, ये काम करूंगा, ये सामान खरीदूंगा, इनसे मिलने के लिए जाऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब दूसरा दिन आया तो मालूम हुआ कि हम घर पे नजर आ रहे हैं। भैया आपने इरादा किया था किसी से मिलने जाने का, न जा सके का नहीं, क्या कहा जाए कि चंद मुश्किलात आ गई, परेशानियां आ गई। तो भाई कब आपने मुश्किलात और परेशानियों के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। जवाब देगा हमें क्या मालूम था कि कल सुबह उठेंगे तो ये मुश्किल हमारे सामने खड़ी होगी, ये परेशानी हमारे सामने सर उठाए हुए खड़ी होगी। हमने तो इरादा किया था, लेकिन क्या किया जाए कि वो मुश्किल वो परेशानी आड़े आ गई। नतीजा ये है कि हम अपने इरादे को पाए तकमील तक न पहुंचा सके। तो वजह क्या है, वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम आज के बारे में जानते हैं कल के बारे में नहीं जानते। और नतीजा ये होता है कि हमारा इरादा इरादा बन करके रह जाता है, हमारे इरादे को कमाल नहीं मिलता है, हमारा इरादा पाए तकमील तक नहीं पहुँच पाता, हमारा इरादा पूरा नहीं हो पाता, हमारी ख्वाहिश दिल में घुट के दम तोड़ देती है, हमारी तमन्नाएँ माने हमारी आरजुएं उनकी सांस उखड़ जाती है, और हम अपनी न तमन्ना को पा पाते, हासिल कर पाते, न अपनी आरजुओं को पूरा कर पाते, न हम इरादे को अपने पाए तकमील तक पहुंचा पाते। क्यों? इसलिए कि हमें कल के बारे में नहीं खबर है, हमारा इख्तियार कल के ऊपर नहीं है, हमें इल्म कल का नहीं है, वो अगले सानिये का, वो अगले सेकंड का हमें नहीं खबर है, नहीं खबर है कि वो अगले सेकंड में क्या होने वाला है। इरादा तो हम कर लेते हैं, लेकिन इरादा करना हमारे इख्तियार में है, इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाना हमारे इख्तियार में नहीं है, वो हालात के ऊपर डिपेंड है। तो ये है हमारे इरादे की कंडीशन, ये है हमारे इरादे की कंडीशन। और अगर कभी कभी इंसान इरादा करता हो पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसे सवाल कीजिएगा कि जैसा तुमने इरादा किया था क्या वैसा ही पाए तकमील तक पहुंच सका, तो वो जवाब देगा हाँ पहुंचे, लेकिन जो मैंने सोचा था उस हद तक नहीं पहुंच पाए, उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए कि जिसका हमने इरादा किया था। क्यों नहीं पहुंच पाए? यही अल्लाह अपनी कुदरत का, इरादा करना तुम्हारे अख्तियार में है, इरादे को आखिरी मंजिल तक पहुंचाना और मुकम्मल करना ये हमारे अख्तियार की चीज है। तुम इरादा करो, इरादा करना तुम्हारे बस में है, लेकिन यह बस में नहीं है कि तुम अपने हर इरादे को पाए तकमील तक पहुंचा दो। ये हमारे अख्तियार की चीज है, ये हमारे अख्तियार की चीज है। हम चाहेंगे उसी की तमन्ना पूरी होगी, हम चाहेंगे उसी की आरजू पूरी होगी, जिसे हम चाहेंगे उसी की ख्वाहिश और उसी का इरादा होगा कि जो पाया तकमील तक पहुंचेगा। यह है हमारे इरादे की कंडीशन। लेकिन अगर अल्लाह के इरादे को देखा जाए तो हमारे इरादे और अल्लाह के इरादे में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। कोई ये ना सोचे, धोखा ना खा जाए कि खुदा जो इस आयत में कह रहा है इसके अलावा और बहुत सी आयतों में खुदा वंदे आलम ने नुरीदु अन्नमुन्ना अला लजी नस्तुज़िउ फिल अर्ध कि अल्लाह का इरादा ये है कि हम एहसान करेंगे, तो वहां पे भी इरादा है, इस आयत में भी इरादा है, इन्नमा युरीदुल्लाह अल्लाह का इरादा यह है। तो कोई अल्लाह के इरादे से, हम अपने इरादे से अल्लाह के इरादे को का मुआजना ना करे, कंपेरिजन ना करे,
वो ये ना समझे कि जैसे हमारा इरादा है वैसे अल्लाह का इरादा, नहीं, तुम्हारा इरादा इरादा है लेकिन अल्लाह के इरादे की हैसियत यह है कि कुरान ने खुद बताया कि अल्लाह का इरादा क्या है, इज़ा अरादा शैअन, कि खुदा इधर इरादा करता है, अन यकूला लहू कुन फयकून, कि इधर अल्लाह ने इरादा किया और इधर वो चीज पाए तकमील तक पहुंच गई। इसका मतलब ये कि अल्लाह का इरादा ही है उस चीज का हो जाना, यानी अगर खुदा किसी शय का इरादा कर ले तो उस इरादे को पाए तकमील तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और इधर कुदरत इरादा करती और इधर वो शय पाए तकमील तक पहुंच जाती। क्यों? उसकी वजह ये है कि अल्लाह माजी का भी जानने वाला है, हाल का भी जानने वाला है, मुस्तकबिल का भी जानने वाला नहीं, मैंने गलत कहा, अल्लाह माजी का जानने वाला नहीं है बल्कि माजी का बनाने वाला है, अल्लाह हाल का जानने वाला नहीं है बल्कि हाल का बनाने वाला है, अल्लाह मुस्तकबिल का जानने वाला नहीं है बल्कि मुस्तकबिल का बनाने वाला है। तो ये अख्तियार जिसके पास पाया जाए उसके इरादे को पाए तकमील तक पहुंचने से रोक कौन सकता है? अब वही, अब ये है अल्लाह के इरादे की, और इस इरादे को भी अल्लाह ने जो बयान किया हसर के साथ बयान किया, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा बस यही है, यानी अल्लाह अपने इरादे को समेट रहा है, इन्हिसार कर रहा है, मुनहसर कर रहा है इस एक अम्र के अंदर कि अल्लाह का इरादा बस यही है कि लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, ए अहले बैत, हम आपसे हर तरह के रिज्स को दूर रखेंगे। और कैसे दूर रखेंगे? जो दूर रखने का हक है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि जब अल्लाह का इरादा ये हो कि अहले बैत की जात तक कोई रिज्स आ नहीं सकता, तो अब आप तसव्वुर कीजिए कि क्या ये माना जा सकता है कि अहले बैत के अंदर कोई रिज्स पाया जाए? अगर रिश्स, एक रिश्स भी मामूली से मामूली कसाफत नजासत रिश्स अहले बैत से करीब हो जाए, यानी एक सुई की नोक के बराबर, एक डॉट के बराबर भी रिश्स अगर अहले बैत की जात से करीब हो जाए, तो ये अहले बैत, और ये अहले बैत की कमी नहीं कहलाएगी बल्कि उस इरादे की कमी कहलाएगी कि जो अल्लाह ने किया है। लिहाजा मानना पड़ेगा कि खुदा का इरादा है तो ये इरादा पाया तकमील तक हर हाल में पहुंच के रहेगा, और अहले बैत को मासूम मानना हकीकतन अहले बैत की फजीलत और कमाल बाद में है, अल्लाह के इरादे की ताकत को पहले पहचानवा रहा है। एक सलवात पढ़ दे मुहम्मद वाले मुहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद, गौर कीजिएगा, यानी ये तसव्वुर करना कि अहले बैत मासूम हैं हकीकतन, ये अहले बैत की फजीलत और अहले बैत का कमाल, यानी अहले बैत के फजाइल और कमालात पर ईमान बाद में है, अल्लाह के इरादे पर ईमान पहले है। और अगर अहले बैत को मासूम न माना जाए, इसका मतलब यह है कि उसने अहले बैत को इसकी इस्मत से इनकार नहीं किया है बल्कि हकीकतन अल्लाह के इरादे के हवाले से उसके ईमान में कमी पाई जा रही है। इसलिए कि अगर उसका ईमान अल्लाह के इरादे के ऊपर मुस्तहकम होता, कामिल होता, तो वह अहले बैत में कमी न तलाश करता, ऐब न तलाश करता, और कीजिएगा। अच्छा, एक बात जो, और दूसरी अहम बात यह है कि कुरान मजीद ने इस आयत में अल्लाह ने जो लफ्ज़ रखी है, इन्नमा युरीदुल्ला लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा, ए अहले बैत, हम आपसे हर तरह के रिज्स को दूर रखेंगे, रिज्स को दूर रखेंगे, लफ्ज़ रिज्स है, रे जीम सीन, रिज्स। अल्लाह ने यह नहीं कहा है कि हम आपसे हर तरह की नजासत को दूर रखेंगे, हर तरह की कसाफत को दूर रखेंगे। हालांकि तर्जमा जब किया जाता है तो ज़्यादातर तर्जुमा करने वाले वो तर्जुमा यही करते हैं कि अल्लाह का इरादा यह है कि हम आपसे हर तरह की नजासत को, हर तरह की कसाफत को दूर रखेंगे जो दूर रखने का हक है। अगर ये तर्जमा किया जाए तो इसका मतलब यह है कि हमने बड़े दायरे को छोड़ करके छोटे दायरे को इख्तियार कर लिया है। नहीं, नजासत कसाफत ये एक छोटा दायरा है कि जिसके अंदर चंद चीज़ें आती हैं। जब लफ्ज़ नजासत का इस्तेमाल हो तो अब वो नजासत कहा जाए तो अब एक नजासत का, एक ज़ाहरी नजासत और एक बातनी नजासत है, ये दो ही नजासतें हमारे तसव्वुर में, हमारे जहन में आती हैं। ज़ाहरी नजासत तो आप जानते हैं, मैं उसे बयान नहीं करना चाहता, आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि वो 10 चीज़ें 11 चीज़ें जो चीज़ें हैं कि गिनवाई गई हैं कि नजासत ये हैं, फ़लाँ 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 फ़लाँ, ये ज़ाहरी नजासत हो गई। और ये ज़ाहरी नजासत ज़ाहिर ही को नजिस कर पाती है, बातिन को नजिस नहीं कर पाती। खून ज़ाहिर को नजिस कर सकता है, बातिन को नजिस नहीं कर सकता। कसाफत गलाजत ये ज़ाहिर को नजिस कर सकती है, बातिन को नजिस नहीं कर सकती। है कि किसी मुर्दार को, किसी मुर्दे को छू लिया जाए उसके ठंडा होने के बाद, उसके जिस्म के ठंडा होने के बाद, तो ये हमारे ज़ाहिर को नजिस कर सकता है, बातिन को नजिस
हमारे जाहिर को तो नजीस कर सकता है, हमारे बातिन को नजीस नहीं कर सकता। और ये याद रखिएगा, जाहिर की नजासत, अगर जाहिर की नजासत है और जाहिर नजीस हो जाए तो उसे पाक भी किया जा सकता है, और उसके पाक करने के लिए पानी के इस्तेमाल है और दूसरी तहारात हैं, उनके जरिए से उसे पाक किया जा सकता है। लेकिन अगर बातिन नजीस हो जाए तो वो जाहिरी तहारात से पाक नहीं हो सकते, लेकिन चूंकि नजासत अलग अलग है तो तहारत भी अलग अलग होनी चाहिए। तो ये तो हो गई जाहिरी नजासत, और एक बातिनी नजासत है, जैसे शिर्क बातिनी नजासत है, कुफर बातिनी नजासत है, निफाक बातिनी नजासत है, ये सारी बातिनी नजासत है। तो जाहिरी नजासत को तो पानी से और दूसरे मुतहरात से पाक किया जा सकता है, लेकिन बातिनी नजासत को पानी से और दूसरे मुतहरात से पाक नहीं किया जा सकता, है कि नहीं, चूंकि वो बातिनी नजासत है। और ये चीजें जितने मुतहरात हैं ये जाहिरी नजासत को तो पाक कर सकते हैं, बातिनी नजासत को पाक नहीं कर सकते। तो अब बातिनी नजासत को पाक करने का तरीका क्या है? कुफर की नजासत बातिनी नजासत है, शिर्क की नजासत बातिनी नजासत है, निफाक की नजासत बातिनी नजासत है, तो इसकी भी तहारत के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदन पे खून लग गया, उसको धोने के लिए पानी और उसको साफ करने के लिए पानी मौजूद है कि नहीं? और दूसरी कसाफत लग गई, बौल गायत वगैरह वगैरह, जो चीज़ें गलाजा तो कसाफत और दूसरी चीज़ें कि जो कुत्ता हमारे बदन से गीला था मस हो गया, या और कोई ऐसे नजिस जानवर हमारे बदन से मस हो गया, तो हम उसे पानी से पाक कर सकते हैं, वो मुतहरात हैं उसके, वो ताहिर करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अब अगर बातिनी नजासत किसी के अंदर आ जाए, किसी के जहन में अगर शिर्क का वजूद पैदा हो जाए, कुफर का वजूद पैदा हो जाए, निफाक की गंदगी अगर किसी के अंदर आ जाए, तो अब हम गुस्ल करके शिर्क को दूर नहीं कर सकते, अब हम पानी के जरिए से कुफर को दूर नहीं कर सकते, अब हम पानी के जरिए से निफाक को दूर नहीं कर सकते, तो उसकी भी तो कोई मुतहरात होनी चाहिए जो उसे ताहिर कर सके। तो अजीजाने गिरामी, वो जितनी नजासात हैं वो पानी और दूसरी तहारात के जरिए से और मुतहरात के जरिए से उसे पाक किया जा सकता है, लेकिन जो बातिनी नजासात हैं हर एक की तहारत के लिए एक अलग अलग चीज रखी गई है। शिर्क की नजासत आए तो शिर्क की नजासत को जो तहारत पाक करती है और जो शय पाक करती है उसे कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो मुतहरात में से एक ऐसा ताहिर है, एक ऐसा मुतहिर है कि जो शिर्क की नजासत को इंसान के वजूद से पाक करता है। कुफर की नजासत आ जाए तो उसकी नजासत के लिए जो मुतहिर है उसे कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अगर निफाक की नजासत इंसान के वजूद में आ जाए तो निफाक की नजासत जो शय पाक करती है उसी को कहा जाता है अलीयुन वलीयुल्लाह। एक सलावत पढ़ दे मुहम्मद व आले मुहम्मद पर, और फरमा रहे हैं आप। तो मैं जो बात अर्ज करना चाहता, देखिए ये तो बात जो मैंने अर्ज की आपकी खिदमत में, जुमले मुतरजा और आपके ज़ौक से जिसे कह लीजिए कि वो रखती थी, तो मैंने उस आपकी खिदमत में और एक तफन्नुन तबा के तौर पे आपकी खिदमत में अर्ज कर दी, ताकि जज्बे विला की तस्कीन भी आपको होती रहे और फ़ज़ाइल अहले बैत भी बयान किया जा सके। लेकिन मैं जो बात अर्ज़ कर रहा था वो ये कह रहा था कि जो रिच्स है वो तहारात, तो बस बहरहाल, तो अगर ये जो तहारात, अगर नजासत की बात की जाए तो वो नजासत हमारे सामने आ जाती है, जहन में आती है कि नजासत ये है, ये है, ये है, ये है कि नहीं, ये छोटा दायरा हो गया। लेकिन अल्लाह अगर कहना तो खुदा कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर अन्कुमुन नजासात, कि अल्लाह का इरादा यह है कि अहले बैत हम आपसे हर तरह की नजासात को दूर रखेंगे। लेकिन अल्लाह ने नजासात का नाम नहीं लिया बल्कि रिश्स के लफ्ज़ रखी है। क्यों? इसलिए कि रिश्स बड़ा दायरा है और इसी दायरे की छोटे छोटे दायरे हैं कि जिन्हें नजासात और कसाफत वगैरह और दूसरी चीज़ें कहा जाता है। बड़े दायरे का एक छोटा सा जुज है जिसे नजासत कहा जाता है। अब वो बड़ा दायरा क्या है? रिश्स का मफहूम क्या है? रिश्स का मफहूम यह है कि ऐब, रिश्स का मफहूम यह है कि नक्स, रिश्स का मफहूम यह है कि कमी। और अल्लाह कहना यह चाहता है कि हमारा इरादा यह है कि ए अहले बैत हम आपकी ज़ात तक किसी ऐब को आने नहीं देंगे। अहले बैत हमारा इरादा यह है कि हम आपकी ज़ात तक किसी कमी को आने नहीं देंगे। कोई ऐब आपके वजूद में तलाश करने वाला तलाश करते करते मर भी जाए लेकिन सुई की नोक के बराबर भी आपके वजूद में ऐब नहीं ढूंढ सकता, आपके वजूद से कमी नहीं निकाल सकता, क्योंकि अल्लाह का इरादा ये। और ये याद रखिएगा कि कायनात का कोई भी इंसान कुछ भी करे ना खुद को कामिल कर बेऐब बना सकता है ना दूसरे को बेऐब बना सकता है। हाँ कोशिश कर सकता है, वो किसी हद तक तो अपने वजूद को बेऐब बना सकता है, लेकिन मुकम्मल तरीके से अगर चाहे कि हमारा वजूद बेऐब हो जाए तो वह अपने वजूद को बेऐब नहीं बना सकता।
गौर कीजिएगा मैं क्या आस कर रहा हूं, है कि नहीं। वो अगर ये चाहे कि हमारा वजूद हर एतबार से बेअब हो जाए, नहीं कर सकता, किसी मंजिल के ऊपर भी पहुंच जाए, किसी मुकाम के ऊपर भी पहुंच जाए, हां अपने वजूद के अंदर से कम यानी ऐब को मिनिमाइज तो कर सकता है, हद अकल की मंजिल में तो अपने अयूब को ले जा सकता है, और अक्सरियत खैर हो और ऐब और नक्स कम हो, ये तो कर सकता है, ये उसके अख्तियार की चीज है। लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि अपने वजूद को इतना ऐसा बना दे कि उसके वजूद में कोई ऐब ना पाया जाए, कोई कमी ना पाई जाए, कोई नक्स ना पाया जाए। तो अब आप सोचिए, जब इंसान अपने आप को किस खुद को मुकम्मल तरीके से बेऐब नहीं बना सकता, तो अगर वो ये चाहे किसी दूसरे को बेऐब बनाना तो कैसे बना सकता है, नामुमकिनात में से। इसलिए कि जो अपने को नहीं बना सकता वो दूसरे को भी नहीं बना सकता है। दूसरे को बनाने के लिए जरूरी है कि पहले अपने आप को बेऐब बनाया जाए। जब हम अपने आप को हर एतबार से बेऐब बना लें तो हो सकता है कि हमें ये पावर, ये इख्तियार मिल जाए कि हम दूसरे को भी बेऐब बना सकें। और यही वजह है कि कायनात के किसी इंसान ने अपनी किसी सनात और किसी खिलकत और किसी भी आर्ट और किसी भी हुनर के हवाले से ये दावा नहीं किया कि मेरे हुनर में, मेरे कमाल में, मेरी खिलकत में कोई ऐब नहीं पाया जाता, कोई नक्स नहीं पाया जाता, नहीं दावा मिलेगा। क्यों? इसलिए कि वो खुद ऐब रखता है, वो खुद कमी रखता है, वो खुद नक्स रखता है। तो जो खुद ऐब रखता हो, जो खुद कमियां रखता हो, जो खुद नक्स रखता हो, वो किसी दूसरे को बेऐब नहीं बना सकता है। लेकिन वो अल्लाह, अब ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। क्यों? इसलिए कि तन्हा उसी की जात है कि जो बेऐब है, गौर कीजिएगा, यानी जिसके अंदर एक छोटे से छोटा मामूली सा मामूली ऐब नहीं पाया जाता, वो है अल्लाह की जात। और यही वजह है कि हमारे बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, एक तरफ सिफात सबूतिया पढ़ाया जाता है तो दूसरी तरफ सिफात सलबिया पढ़ाया जाता है। सिफात सलबिया सबूतिया यानी वो बातें कि जो अल्लाह के अंदर पाई जाती हैं, सिफात सलबिया वो बातें कि जो अल्लाह के अंदर नहीं पाई जाती, और वो जो नहीं पाई जाती वो नकायस, वो अयूब की फहरिस्त है कि जिसे बयान किया गया है। गौर कीजिएगा मैं क्या करूं। और जिस तरीके से सिफात सबूतिया पे भी पे ईमान जरूरी है, वैसे ही सिफात सलबिया पे भी यकीन और ईमान जरूरी है। अल्लाह को सिर्फ साहेब कमाल मान लेने से तौहीद मुकम्मल नहीं होती, बल्कि अल्लाह को बेऐब भी मानना पड़ेगा, ये तस्लीम करना पड़ेगा कि उसकी जात में कोई ऐब नहीं पाया जाता, कोई नक्स नहीं पाया जाता। तो अब उसी को इख्तियार है कि जो बेऐब है, उसी खुदा को इख्तियार है कि जिसके अंदर कोई नक्स नहीं पाया जाता, उसी को इख्तियार है कि वो जिसे चाहे बेऐब बना दे, वो जिसे चाहे उसके वजूद में एक कमी और एक नक्स भी पूरी दुनिया मिल के ढूंढना चाहे तो ना ढूंढ पाए। आप गौर कीजिएगा, तो खुदा जो गारंटी ले रहा है वो इसकी नहीं ले रहा है कि हम हर कमाल, नहीं, अल्लाह कह रहा है कि हम किसी ऐप को आपके वजूद तक जाने नहीं देंगे। और कीजिएगा, किसी ऐप को आपके वजूद तक नहीं जाने देंगे। और ये तय है कि जिसके अंदर कोई ऐप ना पाया जाए उसी के अंदर सारे कमालात भी पाए जाएंगे, है कि नहीं। जहालत अगर ऐप है और अहले बैत में नहीं पाया जाता तो मानना पड़ेगा कि इल्म अहले बैत में पाया जाता है, और वो भी इल्म कितना, अगर थोड़ा बहुत, देखिए हर इंसान हर जिहत से ना साहिबे कमाल है, ना हर जिहत से साहिबे ऐब है, नहीं, मुमकिन है कि एक जिहत से साहिबे कमाल हो, एक जिहत से वो ऐबदार हो। अब कोई भी इंसान हो, आलिम हो, तो कितनी चीजों का आलिम हो सकता है, कितना इल्म उसके पास हो सकता है, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, एक मौजू, दो मौजू, तीन मौजू, यानी ये दो चार मौजूआत से ज्यादा कोई इंसान भी जो है वो आलिम नजर नहीं आएगा। किसी एक सब्जेक्ट का आलिम, वो कोई है मेडिकल में बहुत ऊंची मंजिल पर पहुंच चुका है कि नहीं, वो एम एस भी है, एम डी भी है, उससे बड़ा कोई सर्जन नहीं है, ठीक है, वो पहुंच गया मेडिकल के एतबार से, वो बेऐब है, उसके अंदर कोई नक्स, आलिम है वो, है कि नहीं, वो आलिम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेडिकल का आलिम है। लेकिन अगर उसी से आप जाइए कि हमें मकान बनवाना हो, मेरे घर का नक्शा बना दीजिए, तो वह नहीं बना सकता, कहेगा भाई ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं इसके बारे में जानता ही नहीं कि कैसे नक्श कैसे उसको जो है उसके जिसे कह लीजिए कि वो स्केच उसका बनाया जाएगा, कैसे उसको जो है कहाँ पर पिलर होना चाहिए, वो पिलर कैसा होना चाहिए, और कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ, ये मेरा काम नहीं है। क्यों? इसलिए कि मेरी महारत इसमें नहीं है, मेरी महारत मेडिकल साइंस में। आपको अगर कोई मर्ज है, आप आइए, हम आपका इलाज कर सकते हैं, लेकिन हम आपका मकान नहीं बनवा सकते, है कि नहीं। आपको अगर मिसाल के तौर के ऊपर कुछ लकड़ी वगैरह का काम करवाना है तो आपको कारपेंटर को ढूंढना पड़ेगा, कोई और आपके लिए वो नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि वो उसकी महारत है,
वो वही काम कर सकता है जो वो जानता है। गौर कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन तब इसका मतलब क्या हुआ कि आलिम होना और है और जाहिल ना होना ये और है। जो आलिम है वो एक जहत से मुमकिन है कि आलिम हो, दूसरी जहत से मुमकिन है कि जाहिल हो। डॉक्टर मेडिकल साइंस का आलिम है लेकिन इंजीनियरिंग का जाहिल है, है कि नहीं है? तो अब आलिम है लेकिन आलिम के साथ साथ जहल लगा हुआ है। लेकिन अगर कोई ऐसा हो कि जिसके पास जहल ना पाया जाए, जहल ना पाया जाए, जो जाहिल ना हो, तो मानना पड़ेगा कि कोई इल्म ऐसा नहीं होगा कि जो उसके अंदर ना पाया जाए। यही वजह है कि जब सवाल करने वालों ने, यही अभी नक्सम का वाकया आपके ज़हनों में होगा कि जब उसने पूछा कि आप कौन है, तो उसकी जब तारीफ की गई और लोगों ने उसका तारुफ पेश किया तो यह कह के ये बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े फकीह हैं, है कि नहीं? बहुत बड़े आलिम इल्म हदीस हैं और जिसे कह लिया कारी कुरान है, हाफिज कुरान है, वगैरह वगैरह, वो सारी तारीफ है, इल्म की तारीफ हुई। और जब इमाम से सवाल किया गया आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो इमाम ने सिर्फ एक फिक्र, इमाम ने ये नहीं कहा कि मैं आलिम हूं, इमाम ने कहा मैं ये जानता हूं कि मैं जाहिल नहीं हूं। गौर कीजिएगा। और इधर इमाम ने ये फिक्रा कहा कि मैं जाहिल नहीं हूं, इससे साबित हो गया कि कोई इल्म ऐसा नहीं है कि जो अहले बैत की जात में ना पाया जाए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैंने इख्तिताम की मंजिलों से मेरी गुफ्तगू करीब हो गई, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं इससे ज़्यादा आपकी खिदमत में कुछ और अर्ज कर सकूँ। तो अहले बैत का कमाल यही है, अहले बैत का कमाल यही है, कोई नक्स इनके अंदर नहीं, कोई ऐब इनके अंदर नहीं। और आप याद रखिएगा कि जहाँ नक्स और जहाँ ऐब पाया जाए उसको हक नहीं है कि वो कहीं दावा करता हुआ, कोई चैलेंज करता हुआ नजर आए। लेकिन जिसके अंदर कोई ऐब ना हो, कोई नक्स ना हो, है कि नहीं, तो उसको ये इख्तियार है कि वो जब चाहे दावा करता हुआ नजर आ जाए, चैलेंज करता हुआ नजर आ जाए। अब ये जो मिंबर सलूनी पे बैठ कर अली इब्न अबी तालिब आवाज दे रहे, सलूनी सलूनी, जो पूछना चाहो पूछना पूछो, जो सवाल करना चाहो सवाल करो, हकीकतन ये अली इब्न अबी तालिब अपने इल्म की नुमाइश नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि ये बताना चाहते हैं कि तुम मेरे इस दावे सलूनी से समझो कि अल्लाह के इरादे का पावर क्या है, अल्लाह के इरादे का, उस अल्लाह ने इरादा किया था कि हमारे वजूद तक कोई ऐब नहीं आ सकता। तो बस इस एक कमाल से समझ लो कि सलूनी सलूनी जो पूछना चाहो पूछो, ये खुदा के इख्तियार को, खुदा की कुदरत को, खुदा के जिसे कह लीजिए कि पावर को मौलाए कायनात अपनी जात से पहचानवा रहे हैं। तुम सोचो कि जो इतना पावर, इतना इख्तियार, इतनी कुदरत एक बंदे को दे सकता है कि वो मिंबर पे बैठ के कहे जो पूछना चाहो पूछो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो ये जो दूसरे को इतना पावर दे सकता है, खुद उसके पास कितना पावर होगा, उसका इख्तियार क्या होगा, उसकी कुदरत क्या होगी। तो अपने वजूद से खुदा की कुदरत और खुदा के इख्तियार को पहचानवाने वाले का नाम है अली इब्न अबी तालिब। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बस इख्तिताम की मंजिल से मेरी गुफ्तगू करीब हो गई, अगर वक्त होता तो मैं इसके खिदमत में, आपकी खिदमत में इससे इस आयत के हवाले से और अर्ज करता, लेकिन बहरहाल मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ और मेरी गुफ्तगू इख्तिताम की मंजिलों से करीब हो रही है, है कि नहीं? तो खुदा का इरादा यह है कि हम आपके अहले बैत, हम आपके वजूद तक किसी नक्स और किसी ऐब को आने नहीं देंगे। ये अल्लाह का इरादा है। और ये याद रखिएगा कि चूंकि ये वो शख्सियतें थीं, ये वो जिसे कहना चाहिए ये वो वजूद थे, ये वो अल्लाह के नुमाइंदे और मुंतखब शुदा अफराद थे कि जिनके अंदर हर कमाल पाया जाता था, तो कैसे मुमकिन था वो के जो बेहुनर थे, वो के जो बेकमाल थे, वो इनके वजूद को बर्दाश्त कैसे कर सकते थे, वो इनके वजूद को बर्दाश्त कैसे कर सकते थे। नतीजा ये हुआ कि चे जाए कि इनकी ज़ात से इस्तेफादा किया जाता, चे जाए कि इनकी ज़ात से फ़ायदा उठाया जाता, चे जाए कि इनके ज़ात से इल्म हासिल किया जाता, इनकी ज़ात से और दूसरे फ़नून और दूसरे कमालात से अपनी वजूद को मुज़य्यन किया जाता, आरास्ता किया जाता, लोगों ने इनके वजूद को ख़त्म करने का इरादा कर लिया। और जैसे जैसे मौका मिलता गया, खुदा यके बाद दीगरे इन जैसी शख्सियात को हर ज़माने और हर दौर में भेजता रहा कि मुमकिन है कि कोई इल्म का प्यासा हो कि जो इस समंदर से सैराब हो जाए, लेकिन चे जाए कि इससे इस समंदर से सैराब होते इन्हें कत्ल किया जा रहा है, किसी के सर पे ज़रबत मारी जा रही है, किसी को जहर दिया जा रहा है, किसी को 3 दिन का भूखा और प्यासा रखा जा रहा है। बस 2 जुमले मसायब के और आपके ज़हमत तमाम। एक बंदे मोमिन के ईसा अलैहि सवाब की ये मजलिस है कि जो इस दुनिया से रुखसत हो गया। आप तसव्वुर कीजिए
कि जब ये बाप का वजूद ऐसा बाप के जो शफीक बाप भी हो, जो अपनी औलाद से भी, हर बाप अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करने वाला होता है, हर बाप अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करने वाला होता है, लेकिन कम माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो इतने खुश नसीब हों कि उनको औलाद भी ऐसी मिले कि जो अपने माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करने वाली हो। ऐसे माँ बाप शायद ही कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो अपनी औलाद से मोहब्बत ना करते हों, जो अपनी बेपनाह मोहब्बत यानी बेलौस मोहब्बत अगर कोई करता है इस दुनिया में इंसान से, तो सिर्फ़ और सिर्फ उसके माँ बाप हैं। हर माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये वो जो ज़माना आ गया, ये जो हालात पेश हमारे सामने आ रहे हैं, अगर इन हालात को देखिए और इस ज़माने को देखिए, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि माँ बाप तो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कम औलादें हैं कि जो वैसी ही वालेहाना मोहब्बत अपने माँ बाप से भी करती हैं। ये बंदे मोमिन, इसकी खुशनसीबी यह है कि मैंने अपनी आँख से देखा है। मैं जनाजा पढ़ाने के लिए गया था कि जब जनाजा लाया जा रहा था, खुशी की तारीख थी, लाया जा रहा था, बेटा तड़प तड़प के रो रहा था, तड़प तड़प के बैठा नहीं जा रहा था, आंखों में आंसू भरे चले जा रहे थे। एक एक लम्हा उसकी निगाहों में अपने बाप का याद आ रहा होगा, उनका बोलना, उनका बात करना, उनका गुफ्तगू करना याद आ रहा हो, और एक एक चीज़ थी कि जो उस औलाद को, उस बेटे को तड़पाया जा रही थी, आंखों में आंसू भरा चला रहा था, तड़प तड़प के रो रहा था, सहा कर कर के अपने बाप को याद कर रहा था, उस पर आंसू बहा रहा था, अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहा था। वाकई खुश नसीब थे बादशाह साहब के, उनको ऐसी औलाद मिली कि जो बेपनाह उनसे मोहब्बत करती थी। लेकिन मैं उनके बेटों से सिर्फ़ और सिर्फ उनकी तस्कीन के लिए ये दो जुमले कहूँगा और मैं साहिब इख्तिताम, बेशक तुम्हारा बाबा, तुम अपने बाबा से बहुत प्यार करते थे, तुम अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करते थे, तुम अपने बाबा से बहुत अकीदत रखते थे, और इसका इजहार भी तुमने किया बेहतरीन तरीके से। तुम्हारे बाबा का जनाजा उठा, ढेरों लोगों ने शिरकत की, ले आए फातमान में, कितनी शानदार तरीके से तुम्हारे बाबा को दफन किया गया, कितनी बेहतरीन शब तुम्हें नसीब हुई। लेकिन कभी तसव्वुर करना कि तुम जितना अपने बाबा को चाहते थे, लेकिन एक बेटा ऐसा भी था कि जिसे सैयद सज्जाद कहा जाता है, सोचो कि वो अपने बाबा को कितना चाहता होगा, वो अपने बाबा को कितनी मोहब्बत करता। तुमने वो मंजर नहीं देखा कि जो सैयद सज्जाद ने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारा बाबा बिस्तर अलालत पे इस दुनिया से रुखसत हो गया और तुम बेचैन थे, और इस बात की सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस बात का गम था कि हम अपने बाबा के लिए कुछ ना कर सके, हम अपने बाबा के लिए कुछ ना कर सके, हम उन्हें बचा नहीं सके। लेकिन सैयद सज्जाद के सीने से पूछो कि जब बाप आखिरी रुखसत के लिए आया और सराहने बैठा है और भूपी ने चौंकाया, उठाया, मेरे लाल उठो देखो तुमसे कौन मिलने के आया है, और एक मर्तबा जानुओं को टेक के सैयद सज्जाद उठे और एक मर्तबा ऊपर से नीचे तक बाप के चेहरे पे निगाह डाली और सवाल करते फूफी अम्मा से, ये फूफी अम्मा ये कौन है कि जो मेरे पहलू में बैठा है, ये फूफी अम्मा सर से पांव तक जख्मों से चूर है, ये फूफी अम्मा सर से पांव से खून पे डूबा हुआ है, इसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, कहे मेरे लाल ये तुम्हारा बाबा है कि जो तुम्हारी रुखसत के लिए आया। तुम सोचो कि सैयद सज्जाद के दिल पे क्या बीती होगी, जवान बेटा है 22 साल उम्र है, कि जब उन्होंने अपने बाबा को इस हालत में देखा होगा, ए भूपी अम्मा जरा आसा तो लाना, मेरी तलवार तो देना, मेरा बाबा मदद के लिए पुकार रहा है। आवाज आई, ये ज़ैनब सैयद सज्जाद को खेमे में वापस लेती चली जाओ, इसलिए कि ये हुज्जत खुदा का, ये हुज्जत खुदा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये दुनिया हुज्जत खुदा से खाली हो जाए। जज़ाकुम रब्बुकुम। आखिरी मंजर और आपकी सहमत दा, ये एक मंजर तुमने देखा कि किस तरीके से एक बेटे ने अपने बाबा को जख्मों से चूर देखा। दूसरा मंजर कि जब आवाज बुलंद हुई, कत्ल हुसैन बिकर्बला, और उधर फूफी सैयद सज्जाद के खेमे में आई, ये मेरे लाल उठो देखो ये कैसी आवाज आ रही, फूफी अम्मा जरा खेमे का पर्दा हटाइए। ज़ैनब ने कांपते हुए हाथों से खेमे का पर्दा उठाया, निगाह मक्तल की तरफ उठी तो क्या देखा कि नोके नेजा पे बाप का सर बुलंद है। खुदावंदे आलम ये मंजर किसी बेटे को ना दिखाए। मुझे नहीं मालूम कि जब सैयद सज्जाद ने अपने बाबा के सर को नोके नेजा पे देखा होगा तो क्या कैफियत हुई होगी। अंगुष्ट शहादत बुलंद किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका यबना रसूलिल्लाह, फूफी अम्मा बाबा मारे गए, आप बिन भाई के हो गई, मैं यतीम हो गया, पंजतन पाक से ये दुनिया खाली हो गई। अला लानतुल्लाह कौम सालिफ़ फसअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबिन यनक़लबून।
اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان وبحق ائمه التسعه الطاهرين من ذريه حسين عليه السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك بسم الله الرحمن الرحيم एक मरतबा सूरह फातिहा और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर बादशाह अली आबदी इब्ने मुमताज़ हुसैन आबदी साहब की रूह को हदिया फरमा दे। बिस्मिल्लाह।